मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सरई तहसील कार्यालय से कुछ दिन पहले ही 8 वर्षीय नाबालिग बच्चे को बजौड़ी हल्का पटवारी वंश गोपाल पनिका ने अतिक्रमणकारी बनाकर नाबालिग को थमाया। अतिक्रमण का नोटिस जिसमें 8 वर्षीय बच्चे को पेशी करते देख देखने वालों का जमावड़ा लग गया और हड़कंप मच गया। इस दौरान भारी भीड़ उमड़ी। इस मामले में उच्च अधिकारियों का कहना है कि अगर हल्का पटवारी गलत पंचनामा और प्रतिवेदन बनाकर तहसील कार्यालय में किया होगा जमा तो पटवारी पर गाज गिरेगी और पटवारी को निलंबित किया जाएगा। अशोक कुमार शर्मा जी के द्वारा अतिक्रमण के संबंध में 248 का एक प्रकरण पेश किया गया था, जिसके संबंध में पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट मंगाई गई थी। पटवारी हल्का द्वारा 248 की जांच रिपोर्ट पृथक से बना करके 4 लोगों के विरुद्ध पेश की गई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में अनुक्रम में जो है नोटिस जारी की गई थी। नोटिस जारी करके अनावेदकों को तलब किया गया था। अनावेदकों में से 2 अनावेदक आए थे, जिनकी उपस्थित कराने के बाद उनकी कथन लेने के बाद प्रमाणित पाए जाने पर उनके विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जा चुकी है। 2 अनावेदक मौके से मौजूद नहीं हुए थे, तो अभिभाषक अशोक शर्मा जी से हमने कहा कि ये अगर आए हैं तो सामने पेश करिए। उन्होंने कहा आए थे लेकिन चले गए, लेकिन वो मेरी जानकारी में आए नहीं थे, इसलिए हमने आर्डर शीट में पुनः आदेश किया। ये इस जानकारी को छिपा रहे थे, इसके बावजूद भी वकालतनामा लगाए, ये तथ्य हमको तब तक नहीं बताया गया। शायद वो इसी किसी चिराग में रहे होंगे, इसलिए हमने हमको जानकारी नहीं थी। हम अनावेदकों के स्वतः पर्सनल तलबी के लिए जो है उसमें आदेश किए। जब आज सामने आए अनावेदक तो उनको देख करके हमारी स्थिति स्पष्ट हुई कि अनावेदक नाबालिग है, जो बिल्कुल गलत है। हमने प्रकरण तत्काल समाप्त करके पटवारी आरआई से इस संबंध में स्पष्टीकरण चाहा है और अन्य में जो है जांच दल गठित करा के इसकी जांच कराई है। सर, पटवारी साहब ने जब ये नोटिस कटने के पहले स्थल पर चनावा बनाते समय उस समय वहाँ जगह पे तो मौजूद रहे होंगे ना? जी मौजूद थे। उस समय लोगों से जानकारी भी लिया गया होगा? हाँ, ये तो पटवारी से हम स्पष्टीकरण ले रहे हैं, तो उसके बाद ही पता पड़ेगा। अभी संबंध में हमने उससे व्हाट्सएप पे अगर पंचनामा कोई बनाया हो तो मांगा है, अभी तक मिला नहीं। सर, अगर पंचनामा के समय पटवारी वहाँ मौजूद न रहे होंगे तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? मतलब अलग तो जगह उनके अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई के लिए प्रस्ताव करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। बच्चे को यहाँ ये बता रहे हैं कल मैं कल के तारीख में 6 तारीख को पेशी थी इसकी जी, तो मैं अनुपस्थित होकर बैठने में था जी, जिसके कारण इनको मैं कल आया तो बोले कि तत्काल पेशी इनको आवेदक को। मैंने कहा कि अनावेदक जो है तो अनावेदक नाबालिग है, नाजायज ना समझ करके नोटिस काटे हैं पटवारी साहब। मौके स्थिति में जाकर आरआई राजेंद्र प्रसाद कोरी और वंश गोपाल पनिका के द्वारा जब सीमांकन किया गया रोड का, तो उसमें उन्होंने काटा नोटिस। किस मामले की नोटिस काटी गई? 248 रोड में अतिक्रमण करने के लिए। अच्छा, ये इनका उम्र क्या होगा? इनका उम्र करीब 9-10 साल है। इनके माता पिता? इनके माता पिता सब मौजूद हैं। इसके बाद भी इनके ऊपर कायम 248 का किया गया पटवारी वंश गोपाल और श्री राजेंद्र प्रसाद कोरी के और हमारे माननीय तहसीलदार के साहब। तहसीलदार कौन है आपके यहाँ? तहसीलदार प्रजापति सर है वो। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नाम कुमार प्रकाश शर्मा। पिताजी का नाम? प्रकाश शर्मा। अच्छा, तहसील में क्यों आए हो? साहब।